द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एच टेट की वैलिडिटी कितने साल की है और जो एच टेट और सी टेट की जो इक्वेलेंसी का जो ऑफिशियल नोटिस और ट्वीट है सबके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं एच टेट पी जी टी कंप्यूटर साइंस की तो नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी टेट और एच टेट के जो इक्विवेलेंट का जो ऑफिशियल नोटिस था वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिस आ गया था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट शैल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस टेट या फिर एच टेट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पी आर टी एंड टी जी टी इन द स्टेट। तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था कि भाई सी टेट को एच टेट के बराबर माना जाए और पी आर टी और टी जी टी में जो है इनको माना जाएगा बराबर और लाभ मिलेगा सी टेट वालों को भी। इसके लिए ट्वीट भी आया था सी एम ओ का, ये भी देख सकते हैं आप। हरियाणा सरकार ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एच टेट के समान मान्यता देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार प्रदेश में पी आर टी तथा टी जी टी के लिए उक्त दोनों टेस्ट एक समान समझे जाएंगे। तो इसके लिए देखो ऑफिशियल नोटिस और ट्वीट दोनों आ गए हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की हमने हो गई, अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं वैलिडिटी के लिए सीएमओ का ये ट्वीट आया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अब से रहेगा आजीवन वैध। जिन पात्रों के प्रमाण पत्र को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं उन्हें भी जल्द जारी किया जाएगा उम्र भर की वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट। तो ये ट्वीट आया था, ये ट्वीट कब आया था, जब सी टेट को वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर देता उसके बाद जो है सी एम ओ हरियाणा का ट्वीट आया था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं टी ई टी की बात हो रही है, एच टेट उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन सब ने ये माना कि एच टेट भी इक्विवेलेंट हो गया है और न्यूज़पेपर में भी आया था एच टेट लाइफ टाइम हो गया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्वीट आया और ऑफिशियल लेटर कोई भी नहीं आया। सी टेट और एच टेट के इक्विवेलेंट का ट्वीट भी है और ऑफिशियल लेटर भी है, लेकिन एच टेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये ट्वीट ही मान सकते हैं। सिर्फ ये ट्वीट आया है और एक दो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं आया था। लेकिन जब पिछले साल एच टेट हो रहा था तो बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह से जी से भी बात की थी, तो उन्होंने भी पत्रकारों के सामने बोला था कि 7 साल की वैलिडिटी का ही जो है गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ है बुलेटिन। और इस साल का हम बात कर ले, जो इस साल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है बुलेटिन, इसमें भी आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ एच टेट नंबर ऑफ अवेलेबल अटैम्प्ट टू अपीयर एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ एच टेट सर्टिफिकेट। तो इसमें भी देख सकते हैं लेटेस्ट है, कल ही जारी हुआ है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एच टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी 7 ईयर्स फ्रॉम द इशुएंस डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल्स। तो इसमें भी क्लियरली मैंशन है 7 साल है। जो बोर्ड अध्यक्ष साहब ने जो पिछले साल भी बयान दिया था वो भी 7 साल का था, अब जो नोटिस है उसमें भी 7 साल लिखा है। तो अब जो कैंडिडेट हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो अब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्वीट को ही मान के चल रहे हैं तो ट्वीट में आया है सिर्फ, लेकिन जब तक ऑफिशियल लेटर ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल लाइफ टाइम नहीं मान सकते। इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 7 ईयर्स है, तो आपकी वैलिडिटी 7 ईयर्स ही है। जिसका ख़त्म हो रहा है वो एच टेट बिल्कुल दे। अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।